आइए। आपके पास ये पेज है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना स्ट्रक्चर्स मैं बना भी रहा हूँ, इसकी आपको कोई इंजन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, अब इसमें सबसे अहम बात ये थी, अब तो आदत की हो गई, हम अल्टायर हाइट पर पहुंचे हुए। दिस इज पेरेंट चेन एंड दिस वुड बी सेवन कार्बन, ये सिर्फ ब्रांच है। This should be three high heptene. तो ये कुछ ऐसे बना, ये होगा स्ट्रक्चर and that should be the branches. और गिनती यहाँ से शुरू होगी, so this should be three dimethyl hexene. task सबसे ज्यादा अहम यही है कि बहुत ही किस्म की पेरेंट चेन है, इनको देखो। थर्ड वाला हमारी पेरेंट चेन ये होनी चाहिए, ये ब्रांच, ये ब्रांच, और गिनती दोनों साइड से एक जैसी इफेक्ट रखी है, सो दिस बिकम्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बिल्कुल सही, फोर इथाइल थ्री 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 फाइव डाइमिथाइल हेप्टेन। The fourth one तो अब इसके अंदर this should be the parent chain and these are the branches. गिनती यहां से शुरू होगी, पांचवें नंबर पर ये वो केस था जहाँ मिथाइल इथाइल दोनों एक ही पोजीशन पर है फ्रॉम टू डिफरेंट कॉर्नर्स एंड द रूल सजेस्ट दैट यू शुड फॉलो द मिथाइल कॉर्नर। सॉरी, अब हमारे सामने ये बन गया फोर इसके बाद वो ब्रैकेट के अंदाज से कंपाउंड लिखे हुए हैं, जिसको हम पहले ऐसे बनाएंगे, और अब गिनती किसी भी कोने से शुरू करें, एक ही बात है। कुछ किसी किस्म का हिसाब यहाँ सेवन सी एच थ्री टेकन ट्वाइस सी एच देन सी एच सी एच थ्री CH CH
जितनी भी ब्रैकेट में सी एच थ्री है ये बहरहाल कोने पे ब्रांच के तौर हो जाएंगे। सी एच के साथ दो सी एच थ्री है, एक साइड पर बना दिया, एक नीचे या ऊपर बना दें, फिर सी एच के साथ एक सी एच थ्री, फिर सी एच के साथ दो सी एच थ्री, दिस बिकम्स पेरेंट चेन 2, 3, 4 टेट्रामिथाइल। फिर यहाँ है C2H5, C3H7, CH2, CH3 और C3H7। इसमें हमने चेन के कार्बन को मर्ज किया है, तो आप आसानी की खातिर पहले इसे ओपन करें। C2H5 इसी को हमने मिला दिया तो C2H5, ठीक है, दोनों कार्बन अलग अलग करके लिख दिए। इसी तरह C3H7 में तीन कार्बन होंगे, CH2 और जहां खत्म होगा वो CH3 है। ये है और ये है पेरेंट चेन, ये भी ब्रांच, यहां से गिनती शुरू हुई, तो ये नाम बन गया 4-4-dimethylheptane। और यही पूरी चीज दूसरी दफा भी है, और अब C2H5 को भी सही बना दें तो CH3CH2 है, थोड़ी सी हमारी वर्किंग ज्यादा है ताकि पूरा स्ट्रक्चर सामने आए तो फिर नाम लेने में इशू नहीं है। अब आप इसकी कहीं से भी गिनती करें, एक ही बात है, 4 इथाइल है, सो दिस बिकम्स 3-3-4-4 टेट्राइथाइल हेक्सेन। लास्ट वन, C2H5 CH3 CH2 C3H7। इस कार्बन के तीन तरफ C2H5 का मतलब है CH2 CH3 करके ऐसे बोल दीजिए, फिर सी एच के साथ एक सी एच थ्री और फिर ये C3H7 का मतलब है तीन कार्बन। ये पेरेंट चेन होगी, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, इसमें तीनों टाइप्स की ब्रांच है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, और गिनती इस कोने से शुरू होगी क्योंकि ब्रांचेस ज्यादा करीब है, तो ये नाम बनेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 3-3-diethyl-4-methyl-6-6-dipropyl-9-H। अच्छा, हम बाय द वे पहुंच चुके हैं अल्काइल हैलाइड्स, और अब जो सेक्शन शुरू होना था दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट बिकॉज़ दैट इंक्लूड्स द ऑक्सीजन। एक छोटी सी टर्म यहां पर और हम पहले बता दें, और वो कहलाती है फंक्शनल ग्रुप। एटम और ग्रुप
responsible for all of its chemical इसका हिसाब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके उनके ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मे कंटेन एन इनएक्टिव पार्ट व्हिच इज अटैच्ड टू ए फंक्शनल ग्रुप एक्टिव पार्ट। तो उनके तमाम केमिकल रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इस हिस्से की वजह से, उनके साथ जो बाकी चीजें लगी होती है उनका केमिकल प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं है। इनएक्टिव पार्ट दरअसल है हाइड्रोकार्बन चेन। तो अब तय ये हुआ कि अल्केन जो है, जो हाइड्रोकार्बन है और जिनमें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, वो इनएक्टिव है, उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हम अल्केन में जो चेंज लेकर आएंगे किसी और कंपाउंड को बनाने के लिए वो फंक्शनल ग्रुप। तो आपने अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लाए ताकि वो अल्कीन बन सके, तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप हो गया। आप कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लाए ताकि वो अल्काइन बन सके, तो वो ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप हो गया। आप कार्बन में हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन ले आए तो वो हैलोजन फंक्शनल ग्रुप हो गया, और अब आप उसको हटाकर ऑक्सीजन लाएंगे तो वो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इस हिसाब से एनी चेंज इन अल्केन विल रिजल्ट इन फंक्शनल ग्रुप। तो अभी तक जो आपने किए हैं उसके हिसाब से अल्केन उन्हें हम आर एच करके लिखते हैं, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। अल्कीन इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे है और इनका फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड। अल्काइन ऐसे लिखते हैं, इधर फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइल हैलाइड इसको हम लिखते हैं आर एक्स, इसमें है हैलोजन। और अब हमारा टॉपिक ही यही है कि अब हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप है। Now it is कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें अब हमारा सबसे पहला है अल्कोहल। तो पहले सबका तारुफ की ये समरी हमारे लिखते हैं वो भी कि हर एक की अलग अलग। सो द फर्स्ट वन इज अल्कोहल्स, यू कर देता हूँ यहाँ नाम, यहाँ रिप्रेजेंटेशन, यहाँ जनरल फॉर्मूला, IUPAC नेम। तो अब है सबसे पहला अल्कोहल ROH। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो वो अल्कोहल है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O
और इनका आईयूपीएसी नेम होता है अल्कानॉल। फिर है ईथर, जिसमें ऑक्सीजन बीच में होता है और दो आर आसपास होते हैं। इनका भी जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O है और इनको हम कहते हैं अल्को ऑक्सी अल्कीन्स। एल्डिहाइड्स, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ आर और इनका जनरल फॉर्मूला CnH2nO और इनका आईयूपीएसी नेम अल्कानल। क्योंकि ये सब हम कर चुके हैं थ्योरी में, इसलिए ये सब एक समरी है, लेकिन हम हर एक की अलग अलग डिस्कशन करेंगे। ऐसे नहीं कर रहे कि वो सही का खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आप क्विक रिव्यू करेंगे तो दिस इज फॉर द क्विक रिव्यू, ठीक है ना। कीटोन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप बीच में दोनों तरफ आर, जनरल फॉर्मूला इसका भी CnH2nO है और ये कहलाते हैं अल्कानॉन। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ये COOH ग्रुप इसमें होता है, CnH2nO2 और इसको कहेंगे अल्कानोइक एसिड। एंड देन वी हैव एस्टर्स, RCOO इसमें होता है और जनरल फॉर्मूला इसका भी HCNH2NO2 है, शुड बी कॉल्ड अल्काइल अल्कानोइड। ये है सिक्स फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के। मैसेज ये गया कि चूंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसलिए ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड में 6 अलग अलग अंदाज से आ सकता है। हेलोजन की 1 थी तो सिर्फ ये बताना होता कि हेलोजन है, तो एक ही तरीके से आ सकता है। यहाँ अगर हम कहते हैं कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन है, तो आपकी क्वेरी होगी ऑक्सीजन तो है मगर वो किस तरह का है। देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज एंड देयर आर 6 पॉसिबल नेम्स depending upon what type of bonding oxygen is performing in the compound and how it is present, तो वो किस शक्ल में है, ये बड़ी important बात है। तो आप one by one हर एक पर बात करते हैं। अब इसको अगर हम इस अंदाज से डिफाइन करें तो हम कहते हैं इफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रो ऑक्सिलिक OH ग्रुप, कंपाउंड इज कॉल्ड अल्को। तो सिंपली एक अल्कीन के एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहा है। OH ग्रुप इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। बाकी सब बातें लिखी हुई है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल फॉर्मूला। आईयूपीएसी नेम जो इसका हमने कहा कि वो है अल्कानॉल, उसकी तफसील अब देखिए क्या है। इस नाम की डिटेल ये बनी कि जो ALK है यहाँ आएगी बात कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर। तो अगर एक कार्बन है तो MeCH मीन्स दो है, तो एक तीन है, तो प्रॉप ऐसे है। जो बीच में AN आया है, दिस इज फॉर नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन, जिसका मतलब है अगर सिंगल बॉन्ड है तो AN, डबल बॉन्ड है तो EN हो जाएगा, अल्कीनॉल हो जाएगा।
ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन ऑल हो जाएगा, वायन आ जाएगा, और ओ एन असल में है फॉर द प्रेजेंस ऑफ ओ एच ग्रुप, ये अल्कोहल होने की निशानी है। तो अब अगर मैं मीथेन सी एच फोर है उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं रह गया सी एच थ्री, और उस एक हाइड्रोजन की जगह ओ एच लगा दूं, तो इसको हम मिलाकर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम हो गया मीथेन से मीथानॉल, मीथ फॉर वन कार्बन, ए एन फॉर सिंगल बॉन्ड, ओ एल फॉर हाइड्रोक्सिल। इसी तरह अगर हमारे पास दो कार्बन हो बीच में सिंगल बॉन्ड और उनके साथ ओ एच ग्रुप लगा है, तो ये देखते हुए कि दो कार्बन है ईथ, सिंगल बॉन्ड है ए एन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ओ एल, ये नाम बन गया इथेनॉल। इस तरह अगर हम बात आगे बढ़ाते हैं तो ये रियलाइजेशन आती है कि ये OH तीन कार्बन वाले कंपाउंड से आगे बढ़े तो वो OH की दो अलग अलग जगह पर पोजीशन हो सकती है, इधर तो कोई इशू नहीं था, तीन कार्बन से ये गड़बड़ आ रही है कि इट कुड बी एट द कॉर्नर एंड इट कुड बी एट द मिडिल, दोनों अलग अलग केसेस हैं। तो फिर इसका नाम रखा गया वन प्रोपानॉल, ड्यूटी वहां से शुरू की गई जिस कोने से OH करीब पड़ता है, और इसका नाम रखा गया टू प्रोपान। इन नामों को आप प्रोपेन वन ओल या प्रोपेन टू ओल करके भी लिख सकते हैं। हुआ कि नाउ टू ऑनवर्ड यानी तीन से अब आगे लग, जब भी हम नाम लिखेंगे एक फीचर ऐड हो गया कि अब हम OH की पोजीशन भी बताएंगे। तो अब पूरी कहानी ये हुई, कार्बन गिनो, OH की पोजीशन देखो और फिर नाम। तो देयर आर सिक्स कार्बन और OH करीब पड़ रहा है इस कोने से, तो ये हेक्सानॉल होना चाहिए बिकॉज ऑफ सिक्स कार्बन, और थर्ड पर अगर पोजीशन है तो थ्री हेक्सानॉल। अब यहाँ भी वही चक्कर कि हम ब्रांच अल्कोहल के नाम देंगे तो उसमें फिर मिथाइल इथाइल ब्रांचेस भी आएंगी, हम उन कंपाउंड के नाम देंगे जिसमें हैलोजन भी होगा तो वो भी ब्रांच के तौर पर आएंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आएंगे। तो ऐसी सूरत में यानी वो सारे कैरेक्टर जो इससे पहले पढ़ लिए हैं वो सब यहाँ पर आ सकते हैं अलोंग विद OH ग्रुप। तो नाम देते वक्त किन बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे ये सबसे पहला है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिंस द कैरेक्टर्स आर नाउ इंक्रीज्ड तो यू फर्स्ट अपडेट योर प्रायोरिटी ऑर्डर कि किस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है किसकी कम है। तो जो पिछला प्रायोरिटी ऑर्डर था वो अपडेट हो गया और उसके मुताबिक अब OH is the top priority group, जहां से वो करीब पड़ेगा गिनती वहां से शुरू होगी। अगर वो बीच में हो तो दूसरे नंबर पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तीसरे नंबर पर हैलोजन और आखिरी नंबर पर अल्काइल, ये अब नया ऑर्डर बन गया। इस हिसाब से इस कंपाउंड का नाम देते वक्त आप गिनती शुरू करेंगे जहां से OH शुरू करीब पड़ता है, नाम बन जाएगा 4-methyl 2-pentanol। इसी तरह आप इन कॉम्बिनेशंस को नाम दे सकते हैं जिसमें अब हैलोजन के साथ अल्कोहल हो या डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अल्कोहल हो।
पी शुरू होगी जहां से ओए ध्रुव करीब पड़ता है, नाम बनेगा 4-chloro-2-pentanol, 4-2-hexanol। और यहां पर ये भी ब्रांच और कार्बन नंबर 1 पर ओए ग्रुप है, तो ये बना 4-bromo-3-methyl। थर्ड पर डबल बॉन्ड है तो 3-hexene, और फर्स्ट पर ओए है तो 1 हो, तो सब कैरेक्टर आगे जो हमसे पहले किए हैं। नई बात क्या आ सकती है? Yes, you can have a compound where more than one OH groups आ गया। तो ol for one OH, दो OH होंगे तो diol, तीन होंगे तो triol। इस तरह से हम इन compounds को नाम दे सकते हैं। So this should be 2,3-butane diol, this for butane 2,3-diol कह सकते हैं। ये जो आपके सामने है इसमें गिनती OH वाली साइड से शुरू होनी चाहिए और नाम बनेगा 5-5-dibromo-3-heptyne-2,2-diol। सो ऑल नेसेसरी स्ट्रक्चर्स फॉर द क्विक डिवीजन ऑफ अल्कोहल। Next is ethers, organic compounds in which oxygen atom is attached with two same all different alkyl groups। One way of defining ethers, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन के आसपास दो अल्काइल ग्रुप होते हैं, सेम या डिफरेंट। तो ये है ऑक्सीजन, एक तरफ एक अल्काइल ग्रुप, एक तरफ दूसरा, इस स्टाइल। There are carbon chain on both sides of the oxygen. The oxygen का group ether group कहलाता है। अब इनका IUPAC name क्या दिया जाता है? तो हवाई logic इसमें ये होती है कि आप ये देखेंगे कि oxygen के दोनों जाने जो carbon की chain है, उनमें ज्यादा carbon जिसके पास होंगे वो parent chain और कम जिसके पास होंगे वो branch। सपोज R डैश के पास ज्यादा कार्बन है और इसके पास कम है तो ये ब्रांच हो गई। नॉर्मल R को तो अल्काइल कहते हैं मगर इस ब्रांच में ऑक्सीजन भी शामिल है तो इसका नाम होगा अल्को ऑक्सी। ये ब्रांच हो गई और जिसमें ज्यादा कार्बन है वो प्रॉपर एल्कीन है तो ये नाम कहलाते हैं अल्को ऑक्सी एल्कीन। जैसे अगर मैं आपके सामने ये स्ट्रक्चर लिखूं,
बिल्कुल ऊपर वाली सिचुएशन, ऑक्सीजन के एक तरफ दो कार्बन है एक तरफ एक है, दो कार्बन को पेरेंट चेन ले लिया वो हो गया इथेन, और एक कार्बन वाले को ब्रांच ले लिया वो मिथाइल से मीथो ऑक्सी हो गया। तो अब ये बन गया मीथो ऑक्सी इथेन। अगर फर्स्ट कहें दोनों तरफ सेम कार्बन होते तो फिर आपकी मर्जी है किसी एक को ब्रांच ले लें किसी एक को पेरेंट चेन, तो नाम पड़ेगा इथो ऑक्सी। इसमें हम आगे बढ़े और तो हमारे लिए जो अल्को ऑक्सी है ये बिल्कुल ब्रांच की तरह हो जाएगा, जैसे नॉर्मल अल्काइल ब्रांच होती थी ये ऑक्सीजन वाली ब्रांच हो गई, सारे हबूब कोई होंगे। यानी अब ये चार कार्बन की पेरेंट चेन है जिसके साथ मीथो ऑक्सी ग्रुप ऐसे ब्रांच लगा हुआ है जिस कोने से करीब है वहां से गिनती की थी, तो अब इसका नाम बन गया ये OH is still at the top और ये जो alpha oxy group है ये number 2 है, तो double और triple bond नीचे हो गए, halogen और नीचे और alkyl। तो इस हिसाब से यहाँ जहाँ से methyl oxy करीब है गिनती वहाँ से शुरू होगी, हम लिखेंगे 2 methyl oxy 3 methyl butane। अब वो सब कुछ जो आपने इससे पहले किया है वो सब यहाँ मीथो ऑक्सी इथो ऑक्सी के साथ आ सकता है, नॉर्मल अल्काइल ब्रांच हैलोजन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इवन दी ओएच ग्रुप इटसेल्फ। सो हम ये कुछ प्रैक्टिस वाली चीजें देख लेते हैं। ये सब वही फीचर रिपीट हो गए, एक से ज्यादा इनको ऑक्सी ग्रुप आएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, डाई लगा देंगे ट्राई लगा देंगे कैन ड्राइव द नेम्स आप आसानी से दे सकते हैं। In five, गिनती यहाँ से शुरू होगी।
this is equal of z, this is theory. 2 equal of z. So then c is a chlorine, 4 chloro, 2 equal of z, pentane. This one should be, this is the parent chain. गिनती शुरू होनी चाहिए जहां से इथोक्सी बनी पड़ता है इथोक्सी, तो ये यहां से भी 4 है और यहां से भी 4 है, तो जब ये दोनों जगह से बराबर है तो सेकंड प्रायोरिटी देखते हैं इसके नीचे डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहां से थर्ड पर है, यहां से फोर्थ पर है, इसलिए हम इसे फिर करेंगे। तो ये नाम बनेगा 4 मीथो ऑक्सी 3 methyl 3 happy यहाँ से गिनेंगे तो किस नंबर पे आएगा, और ही पे आएगा ना, वो तो भी फोर पर ही है, तो शिकायत नहीं करनी चाहिए ना। हमने ये देखा कि जब मीथॉक्सी जो कि टॉप प्रायोरिटी है वो बीच में है, दोनों तरफ से इक्वल है, तो फिर हम ये देखेंगे कि उससे पहले उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है, तो फिर डबल बॉन्ड को ऐड बॉन्ड दिखाएंगे। ओके, हियर द प्रायोरिटी गोज टू OH एंड दिस शुड बी 3 मीथो ऑक्सी 1 ब्यूटानॉल, दिस शुड बी 2-3 डाई मीथो ऑक्सी पेंटेन, this should be tetra methyl oxy methane, अब ईथर और अल्कोहल में एक कॉमन बात ये थी कि दोनों फॉर्मूलों के एतबार से सेम थे, तो दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, जिनको हम बाद में भी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तीसरे नंबर पर जो अब आ रही है चीज वो आखिरी चारों बल्कि कहने चाहिए, उनमें कॉमन बात ये है कि दे ऑल आर कंपाउंड्स विच कंटेन दिस ग्रुप, सब में अब ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, थोड़ी सी याद हो गई बातें हाइब्रिडाइजेशन की, तो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, डबल बॉन्ड बनाता है तो sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो sp होता है, सिंस कार्बन इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड हियर दिस कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। अब हर फंक्शनल ग्रुप में ये होगा, तो एल्डिहाइड हमारा तीसरा ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप में पहला है। एल्डिहाइड्स के लिए हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन एंड एन अल्काइल, इसलिए ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप इस तरह से होगा कि उसके एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ अल्काइल ग्रुप, तो IUPAC नेम इनका हुआ अल्कानल, तो अल्कानॉल और अल्कानल इसके हाथ से बड़े मिलते जुलते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन है कि ये नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए है, ये बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स के लिए है और दिस इज फॉर एल्डिहाइडिंग। तो अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में तो यही अल्की बॉन्ड हो जाएगा, अल्की नल, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइल,
ये देखिए, सबसे पहला एल्डिहाइड जिसमें सिर्फ एक कार्बन है। सर, एक कार्बन वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं उन्हें आप स्ट्रक्चर और फॉर्मूले दोनों के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई आइसोमर नहीं हो सकता। इसलिए हमें आदत हो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये नाम एक कार्बन की वजह से है, मिथानल। फिर अगर इसी में एक कार्बन और बढ़ा दे तो ये बन जाएगा इथानल। बढ़ा दे एक कार्बन और तो प्रोपानल। दिस इज पेंटानल। ये पांच तक लिखने का मकसद ये बताना था कि जो काम हम अमूमन तीसरे और चौथे कार्बन से कह देते थे कि पोजीशन बताना बड़ा जरूरी है, वो यहाँ नहीं आ पाई, क्योंकि हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि एल्डिहाइड के ग्रुप हमेशा स्टार्ट पर होगा, लेफ्ट या राइट पे बिल्कुल कोने पे होगा। अगर हम ये गिनती भी गिनती है तो वो हमेशा कार्बन नंबर वन रहेगा। तो एल्डिहाइड की पोजिशन सिवाय वन की और कुछ हो ही नहीं। जब वो फिक्स वन है तो बताने की क्या जरूरत है, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट वाय हम किसी भी एल्डिहाइडिक ग्रुप में उसकी पोजीशन नहीं बताते। तो अगर किसी ने इसे वन पेंटानल लिखा तो वो गलत माना जाएगा। डोंट नीड टू टेल दी पोजीशन ऑफ, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि एल्डिहाइड वन के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता, तो बताने की क्या जरूरत है। तो अब इसका मसला हल हो गया। तो अब ये है कि अब हम एल्डिहाइड में ब्रांचेस ले आए और जो कुछ इससे पहले पढ़ा है सब ले आए, हैलोजन बी, डबल बॉन्ड बी, ट्रिपल बॉन्ड बी, OH ग्रुप बी, अल्को ऑक्सी ग्रुप बी। तो वी जस्ट नीड अगेन अ ऑर्डर विद व्हिच वी कैन असाइन दी पोजीशन। तो इफ वी हैव कंपाउंड्स लाइक दिस, तो वी नीड अ न्यू प्रायोरिटी ऑर्डर। जो न्यू प्रायोरिटी ऑर्डर या लिस्ट है हमारी, उसका अब लीडर चेंज हो जाएगा। सो द टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इज नॉट लॉन्गर OH, अब वो हो गया है एल्डिहाइड। सो दिस इज नाउ लीडर। OH की पोजीशन 2 हो गई, OR तीसरे पे चला गया, डबल ट्रिपल बॉन्ड नीचे हैलोजन हो रहा है। ऑर्डर वही आ रहा है, सिर्फ लीडर चेंज हो गया। इस हिसाब से ये यहाँ से गिनती गिनी जाएगी एंड दैट बिकम्स 5 मिथाइल हेक्सानल। यू मे हैव डबल बॉन्ड्स हियर, हैलोजेंस। और ये जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा राइट साइड पर हो, इट कुड बी एट द लेफ्ट कॉर्नर एज वेल। सिक्स में गिनती जब यहाँ से शुरू होगी तो ये हुआ 3 ब्रोमो 5 हेक्टीनल। और जब हमने 7 में किया तो 7 मीथो ऑक्सी 4 ऑक्टाइनल। Very important situation.
if you have OH group and aldehyde group together. अब प्रॉब्लम ये है कि हम OH ग्रुप के लिए लव यूज करते थे अल्कानॉल और इसके लिए करते हैं अल्कानल, दोनों इकट्ठे आ गए तो क्या ओल अल बना दे? तो हमने कहा नहीं, देयर विल बी ओनली वन किंग, कहते हैं ना एक तलवार नियाम में एक ही तलवार आती है, तो देयर इज ओनली वन लीडर। तो आपने ये याद रखना है कि हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं तो जो टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होता है वो कंपाउंड का पहले नेम बनता है और बाकी सब ब्रांचेज हो जाते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर एल्डिहाइड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो अब OH फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ये ब्रांच हो गया। तो जब OH खुद सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो अल्कानॉल कहलाता है, लेकिन जब वो ब्रांच के तौर पर होता है तो वो हाइड्रोक्सी कहलाता है। तो अब यहाँ पर पेरेंट स्ट्रक्चर एल्डिहाइड है, पांच कार्बन वाला पेंटानल है और यहाँ OH ग्रुप अब उसका दर्जा कम हो गया, वो बन गया ब्रांच। यहाँ मैं आपका टीचर हूँ, मेरी डेजिग्नेशन टीचर थी इन फ्रंट ऑफ यू। यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ने जाऊँगा तो मैं अपने टीचर के लिए स्टूडेंट हूँ, तो मैं आदमी तो वही हूँ ना, लेकिन मेरे हर जगह पर रोल्स डिफरेंट हो गए। इसी तरह OH ग्रुप वही ग्रुप है, कुछ के लिए ये टीचर है और कुछ के लिए ये स्टूडेंट है, कुछ के लिए ये खुद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कुछ के लिए ये ब्रांच है। तो ये एल्डिहाइड से नीचे आता है, इसलिए अब इसका नाम हो जाएगा थ्री हाइड्रोक्सी पेंटानल। ये अहम बात आ गई कि OH ग्रुप को हम कब क्या कहेंगे। एल्डिहाइडिक बेशक होने पे होते हैं मगर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकते हैं, दिस शुड बी एट बोथ कॉर्नर्स लेफ्ट और राइट दोनों पर, तो वो डायल कहलाते हैं। तो वो भी हमें नाम आने चाहिए, अब ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें पांच कार्बन है और पहले और पांचवे दोनों में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, दिस शुड बी पेंटेन डायल। हम इसे 1,5 पेंटेन डायल नहीं कहेंगे, यू अंडरस्टूड है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप इज शुड बी दी कॉर्नर्स, लाइक फर्स्ट पर होगा या लास्ट पर होगा। हम एल्डिहाइडिक ग्रुप को अगर बॉन्ड बनाकर ना दिखाएं तो ऐसे दिखाते हैं, CHO करके लिखते हैं। अब ये ना हो कि कोई इसे देखकर कहे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो ही नहीं सकता, आपको कार्बन की चार वैलेंसीज पूरी करनी है। तो अगर कोई इसको OH बनाएगा तो खुद पछताएगा कि सूरत में दोनों कार्बन की दो वैलेंसियां होंगी, तो ये ऐसे नहीं है। इसका मतलब है दो कार्बन दोनों में एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो इसको कहते हैं इथेन डायल। एल्डिहाइड और कीटोन्स में आपस में काफी सारी सिमिलैरिटी, वो सिमिलैरिटी है कि मेनली द फंक्शनल ग्रुप इज सेम, वही कार्बोनाइल ग्रुप जो एल्डिहाइड में कोने पे था उसके एक तरफ हाइड्रोजन लगता था वो एल्डिहाइड। अगर हम इस कार्बोनाइल ग्रुप को चेन के बीच में ले आए तो फिर ये कीटो हो जाता है, तो अब हमारा टोटल फोर्थ ग्रुप जो हमने स्टार्ट में बनाया था नाउ इट इज कीटो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये दो एक जैसे या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, ठीक हो, यानी अब एक तरफ हाइड्रोजन नहीं होगा बल्कि दोनों तरफ R होगा। तो कीटोन की शर्त ये हो गई
ये कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा चेन के बीच में कहीं भी हो सकता है सिवाय फर्स्ट का। अब उसकी पोजीशन वन नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसलिए बतानी पड़ेगी। इसको हम आईयूपीएसी में कहते हैं अल्कानॉन। वही एएनके फॉर कार्बन नंबर, वही एएन फॉर बॉन्ड बिटवीन कार्बन, और ओएनई फॉर कीटोनिक ग्रुप। जो सबसे छोटा मेंबर कीटोन के लिए होगा उसके कम से कम तीन कार्बन है, क्योंकि शर्त यह है कि एक कार्बोनाइल ग्रुप और फिर उसके आसपास भी कम से कम एक एक कार्बन होना चाहिए। ये सबसे छोटा कीटोन है और चूंकि इसमें तीन कार्बन है तो इसका नाम है प्रोपानॉन। फिर चार कार्बन ब्यूटानॉन। तो यहां तक तो आपको कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन बताने की जरूरत है। अलबत्ता पांच कार्बन से जरूरत पड़ती है, क्योंकि पांच कार्बन पर देयर आर टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर दी कीटोनिक ग्रुप। पेंटानॉन ऐसे भी बन सकता है और पेंटानॉन ऐसे भी बन सकता है। Have two different styles or positions of carbonyl. इस कोने से करीब लोग इतनी बात शुरू की, तो ये बन गया two pentanon और ये बन गया three pentanon। यहां से आगे बढ़ते हैं तो फिर वही इशू है कि हम अब कीटोनिक ग्रुप के साथ वो सारी ब्रांचेस यूज करें जो हम इससे पहले बाकी फंक्शनल ग्रुप के साथ कर चुके हैं। तो हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर में दिखाना पड़ेगा कि वेयर इज द कीटोन। तो एल्डिहाइड से नीचे है कीटोन और बाकी सब भी एक एक पोजीशन नीचे हो गए। ये हो गई प्रायोरिटी। तो टॉप प्रायोरिटी एल्डिहाइड, सेकंड है कीटोन, फिर है अल्कोहल, फिर है ईथर, फिर है डबल ट्रिपल बॉन्ड, फिर है हैलोजन, फिर है अल्कान। सर जी, ये प्रायोरिटी जो लिस्ट है इसकी एक्टिविटी की वजह से चेंज हो रही है? नहीं बेटा, प्रायोरिटी लिस्ट के पीछे कोई केमिकल रीजन नहीं। प्रायोरिटी लिस्ट हमने अपनी जरूरत से बनाई, ठीक है? इसके पीछे कोई केमिकल रीजन नहीं है कि इसके लिए इतने ज्यादा इसके काम ऐसा कुछ, ठीक है ना? तो ये इसकी लॉजिक मत ढूंढिएगा। ये जो नॉर्मल कैचर है इसमें केमिस्ट्री नहीं इन्वॉल्व की गई। कॉमन नेमिंग वालों ने अपने नाम केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर बनाए थे, वो नहीं चल सके। अब यहाँ पर इतने फैक्टर्स हैं कि हम इन बातों को नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा हमने कहीं कहीं इसका ख्याल रखा है। मसलन जब चार हैलोजन्स हैं तो उनके बीच में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से कर लो, लेकिन ओवरऑल हमने इसके पीछे कोई केमिकल लॉजिक नहीं रखी है, ठीक है ना? और रिएक्टिविटी का या और किसी बात का इससे कोई लेना देना। अब यहाँ पर इधर से गिनती शुरू होगी,
तो ये है 5-methyl-3-hexanol. अब इसी तरह से देखिए आप, हम कुछ नाम दें, we have covered every possible combinations with ketones. So इनके साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड भी लिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 8, 9, 10 है कि एक में OH ग्रुप के साथ है, एक में एल्डिहाइड कीटोन एक ही ग्रुप में है, और एक से ज्यादा कीटोन ग्रुप में, तो ये तीनों में कुछ ना कुछ नई बात आ रही है. Start here, CO का मतलब है कार्बोनाइल ग्रुप, इसके दोनों तरफ ये चीज है, इसका मतलब है CH2 और फिर CCH3 ऐसे बनता है, CCH3 taken charge. इधर भी यही होगा, पहले CH2 फिर CCH3 taken charge. दोनों तरफ से symmetrical compound है, गिनती कहीं से भी शुरू करें एक ही बात आ रही है. और ये नाम बन रहा है 2-2-6-6 टेट्रा मिथाइल 4-heptanol. ये बात इसलिए इतना ध्यान पे रखिएगा कि यकसानियत तो नहीं आती ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, मगर वो एक सवाल पूरे पेपर में ऐसा दे दें कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है, व्हाट इज द IUPAC नेम, चार ऑप्शन, ऐसा एक ही है. मतलब ये थोड़ी वो बना देंगे कि 400 स्ट्रक्चर चोरी करके थोड़ी चल रहा है. तो फिर नॉर्मल प्रेशर की अहमियत के बात ही मसाइल ये कि वो इसी से कुछ और अंदाज से सवाल हो, और वो और अंदाज ये है जो हम आपको अभी इसके लिए मैंने कहा ना 8, 9, 10 मॉडल है, यानी लाइक दिस, इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एन कीटोन इट शुड बी कॉल्ड, तो ऑप्शन आ गया कि अगर कीटोन के साथ OH है तो OH शुड बी ब्रांच, शुड बी कॉल्ड हाइड्रोक्सी नॉट एल्कानॉल. इसी तरह अगर कीटोन और एल्डिहाइड साथ आ गए तो क्या कहेंगे, एक से ज्यादा कीटोन है तो डायोन ट्रायोन, ये बात भी तो हमसे अलग से पूछी जा सकती है. जरूरी तो नहीं हर क्वेश्चन यही हो कि नाम लिख दो, उस नाम लिखने में जो लॉजिक इस्तेमाल हो रही है वो भी तो पूछ सकते हैं, वो आपको एक ही कंपाउंड का गलत नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना. हम आपको एक नाम लिख कर दें और कहें विच नेम कुड नॉट बी पॉसिबल फॉर IUPAC, तो उसमें एक आधा नाम ऐसा ले लेंगे जिसमें प्रायोरिटी ऑर्डर गलत यूज हुआ है, तो आप पहचान लेंगे ये नाम तो किसी को हो ही नहीं सकता, ये तो गलत दिया गया है. तो सिर्फ सही नाम नहीं लिखते हैं, गलतियां भी पहचाननी है. जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि उसमें हम दिमाग खंगाल लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाए ये जरूरी नहीं है. तो हम सही नाम लिखकर आपसे पूछ सकते हैं, चार नाम दिए हैं, तीन सही है, एक गलत है, तो आप उस गलत वाले को पिक करें कि ये कंपाउंड हो ही नहीं सकता. तो उसका तरीका क्या मुश्किल हो गया आपके लिए, चारों के नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे कौन सा नाम गलत है. तो ये देयर कुड बी मेनी वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. वेरा दिस वन एल्डिहाइडिक ग्रुप से गिनती, कीटोनिक ग्रुप से गिनती शुरू होगी. टोटल कार्बन है 8, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से 7-chloro-7-methoxy-4-carboxy
4 octane, 3 ohm. चूंकि OH ग्रुप की प्रायोरिटी कीटोनिक ग्रुप से भी कम है, इसलिए OH यहां भी ब्रांच है। गिनती कीटोन की तरफ से शुरू हुई, तो 5 हाइड्रो ऑक्सी 3 हेक्सा नॉन। अब एल्डिहाइड कीटोन बराबर बराबर आ रहे हैं, अल्कालाइल ओन ऐसे भी देंगे, कोई एक पेरेंट चेंज करेगा। तो अब जैसी बात है, एल्डिहाइड अभी भी जीता हुआ है, सो एल्डिहाइड शुड बी, दिस शुड बी पेंटाइल, पांच कार्बन। तो फिर कीटोन को क्या कहेंगे, ब्रांच, ब्रांच कहेंगे तो क्या नाम होगा, ऑक्सो। वैसे कीटोन अल्का नॉन कहलाता है, ब्रांच में ओ एक्स ओ ऑक्सो कहलाता है। सो दिस बिकम्स 4 ऑक्सो पेंटानल। तो अब सिर्फ यही दो कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं। ये अल्कोहलिक ग्रुप अगर खुद पेरेंट चेन है तो अल्कानॉल, ब्रांच है तो हाइड्रोक्स। ये कार्बोनाइल ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप, खुद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कानॉल, ब्रांच है तो ऑक्सो। यहाँ तीन तीन कीटोनिक ग्रुप है, गिनती वहां से शुरू हुई जहां से ओवरऑल ये कीटोनिक ग्रुप ज्यादा करीब है, और ये नाम बना 2,5,7 नॉन-एन ट्रायोन। तो 6 में से हमने 4 देखे हैं, और मुनासिब एग्जांपल के साथ हर पॉसिबल केस को हम देखते जा रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो, हमें आगे कोई परेशानी ना हो। The fifth one is carboxylic acid, organic compounds in which carboxylic group, which is COOH group, is present अल्काइल। तो ये बने ऐसे कार्बोनाइल और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, मिलाकर COOH, और बॉन्ड शो करें तो R C डबल बॉन्ड O एंड देन OH ऐसे बनता है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका IUPAC नेम है अल्कानॉइड एसिड। सबसे अहम बात यह है कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, जो आपने पढ़ने हैं उनमें भी, और जो आपने नहीं पढ़ने हैं उनमें भी, जो जो हमारे सिलेबस में है उसमें भी ये नंबर वन है, और जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तमाम फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब है हमारी प्रायोरिटी लिस्ट का जो लीडर है वो फिक्स हो गया, अब इसमें कोई चेंज नहीं है। अब जो भी हम आज के बाद बढ़ेंगे उनकी जगह नीचे कहीं बनेगी, अब ऊपर वाली जगह फिल हो गई है। सो इट इज नंबर वन ग्रुप, और अभी फिलहाल एल्डिहाइड नंबर 2 पर है, कीटोन 3 पर है, OH 4, अल्कोऑक्सी 5, डबल ट्रिपल बॉन्ड से नीचे हैलोजन फिर आ, जिसकी हमारी माशाल्लाह मिश्योर हो गई। तो अल्कानॉइक एसिड में अगर एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ले तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, और एसिड, तो ये कहलाता है मीथानोइक एसिड बिकॉज ऑफ वन कार्बन। ये कहलाता है इथानोइक एसिड
हाइट की तरह जब हम इसके भी और मेंबर्स बनाएंगे तो हमें ये ख्याल आएगा कि इवन फॉर 5 कार्बन इट इज पेंटेनॉइक एसिड लेकिन द सी डब्ल्यू एच ग्रुप इज ऑलवेज एट द कॉर्नर। सो अगर हम पोजीशन लेने पर आए तो उसकी पोजीशन हमेशा एल्डिहाइड की तरह 1 ही आ रही है जिससे बताने की कभी कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है एल्डिहाइड्स की तरह की कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हिसाब ये है कि सिंस इट इज ऑलवेज एट कार्बन नंबर 1 वी कैन स्किप द पोजीशन, हम इसकी पोजीशन स्किप कर सकते हैं। हाँ, जो इसकी मदद से बाकी ब्रांचेस को देनी है पोजीशन तो उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर आ ही गया, तो जिस कोने पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वही कार्बन 1 है और उससे बाकियों को पोजीशन देगी। तो ये दिस इज द कंपाउंड, आपने सी डब्ल्यू एच ग्रुप वाले कार्बन को 1 कहा और ये बन गया 3 ब्रोमो पेंटानोइक एसिड। तो इन 5 एग्जांपल्स को देखें, इसमें सब कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हर कॉम्बिनेशन किया गया है। For this one, ये first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 6 methyl oxy, 5 methyl, 3 heptene, noic acid, OH hydroxy कहलाएगा, 3, 4, dihydrooxy pentanoic acid। अब वही बात है कि इसको हम ऑक्सो कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे लिए ब्रांच के तौर पर है, तो 5 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड।
अगर एक से ज्यादा सी डब्ल्यू एच ग्रुप हो तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट पर होंगे, डायोइक एसिड कहलाएंगे। तो दिस इज टोटल 6 कार्बन, हेक्सीन डायोइक एसिड, और इसमें दो ही है तो इथेन डायोइक। ऑक्सीजन के तमाम छह फंक्शनल ग्रुप्स में अब हमारी आखिरी एग्जांपल, जो हमने चार्ट बनाया आते ही आपको उसके साथ सब की छोटी एक्सप्लेनेशन, पर अब ये देखने के बाद इवन आपकी समरी वही बनेगी कि आपको सबसे पहले वो पूरा याद रखना चाहिए, फिर उसके बाद तो हर एक के अंदर जो तफसील है वो तो कॉमन सी है, सिर्फ एक प्रायोरिटी लिस्ट अगर आपको याद हो तो कैन डू इट। तो अब ये है एस्टर्स, एफ हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिप्लेस बाय एन अल्काइल ग्रुप, compounds are called esters. Esters के लिए हमने कहा कि जो carboxylic acid में C double H होगा है, इसका H हटाकर वहाँ भी R लगा दें, तो ये ester बन जाए। अभी भी किया हमने ये carboxylic acid R C double H, इस H को हटाकर इसकी जगह भी अल्काइल। तो अब ये basically functional group रह गया C double O. इसका आईपीसी नेम है कि हमने ये तय किया कि जो ऑक्सीजन के साथ आपने आर लगाया है एसिडिक हाइड्रोजन हटाकर दिस वन, इसको हम कहेंगे हमेशा ब्रांच, तो ये कहलाएगा अल्काइल। द रेस्ट ऑफ द पार्ट आर सी डबल ओ इट इज कॉल्ड अल्कानोइड। एस्टर्स का पूरा नाम है अल्काइल अल्कानोइड, और प्रायोरिटी लिस्ट में ये नंबर टू पे आ गया, बाकी सब वही रहेंगे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद एस्टर है, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर ओएच है, फिर अल्कोक्सी है, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड हैलोजन और देखिए इस पे जरा सा और, अगर ऐसे है हमारा कंपाउंड तो सबसे पहली और जरूरी चीज ये देखना है कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की लाने कौन सा अल्काइल, उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो दिस इज सी एच थ्री मिथाइल, तो सबसे पहले लिखा मिथाइल। अब इस हिस्से का इसमें दो कार्बन है इसलिए इसका नाम होगा इथानोइड, ये हो गया मिथाइल इथानोइड। स्ट्रक्चर बनाते वक्त हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बनाने को थोड़ा सा रिवर्स कर दें, हमें फिर ये देखना है ऑक्सीजन के साथ क्या लगा, चाहे वो राइट साइड पे था या लेफ्ट पे आ गया। ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन वाला इथाइल है, एंड फॉर रेस्ट ऑफ द कंपाउंड देयर आर फोर कार्बन्स, दिस बिकम्स इथाइल ब्यूटानोइड। यहाँ ज्यादा और कम कार्बन का चक्कर नहीं है,
तो अल्कानोइड में कम कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जो ब्रांच है उसमें ज्यादा कार्बन हो सकते हैं, बट स्टिल जो ब्रांच जो ऑक्सीजन के साथ पोर्शन लगा है चाहे उसमें 100 कार्बन हो वो ब्रांच ही माना जाता है, और जो सी डबल ओ वाली साइड पर है चाहे उसमें 80 कार्बन हो वो पेरेंट चेन माना जाता है। इस लिहाज से आप ये तीन कार्बन प्रोफाइल यानी ब्रांच पे ज्यादा कार्बन है और पेरेंट चेन पे दो कार्बन है इथान और ये। अब इसमें भी ब्रांचेस आ सकती हैं, थर्ड वाला ऑक्सीजन के साथ जो हमारे पास कार्बन है तीन है उसका नाम हो गया प्रोपाइल, जो पेरेंट चेन में दो है तो इथेनॉल है। इसके और इसके लॉजिक में क्या फर्क है, वो सही था ये अलग हो गया। Then, if you have this, अब और से सुनिएगा क्योंकि अगर इसमें कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। आपकी नजर सबसे पहले जानी चाहिए इस बात पर कि सी डबल ओ में ओ के साथ कौन सा अल्काइल ग्रुप है, तो ये नहीं था लिख दीजिए, बाकी किसी चीज को देखने से पहले ही लिख दीजिए। अब बाकी हिस्सा जो आपके पास आपको नजर आ रहा है उसमें एक तरह से आप देखो नए सिरे से लाएंगे, ये पेरेंट चेन है चार कार्बन की ब्यूटानोइड और इसके अंदर एक ब्रांच है थर्ड कार्बन पर वो भी दिखाई दे, तो ये नाम अब बनेगा थ्री मिथाइल ब्यूटानोइड। तो जो चीज अब अजीब है वो ये है कि हमने दो जगह मिथाइल लिखा है मगर मिलाकर डाई मिथाइल नहीं, वजह ये है कि इसे बिल्कुल अलग चीज मानिए, एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है इस कंपाउंड का जो ऑक्सीजन के साथ लगी हुई ब्रांच है, इसे बाकी कंपाउंड के नाम के साथ मिक्सअप नहीं करना है। तो इस मिथाइल की डेजिग्नेशन ही अलग है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ लगी है, इसकी तो पोजीशन भी नहीं होती, ये जो पोजीशन आप बताते हैं 2, 3, 4 ये उस कार्बन का नंबर होता है जिसके साथ आपकी ब्रांच लगी होती है, जो ब्रांच ही ऑक्सीजन के साथ लगी हुई है उसका नंबर कहाँ से लाएंगे, इसलिए उसे हमेशा अलहदा वीआईपी ट्रीटमेंट देना है, शुरू में लिखे ताकि पता चल जाए ये वो ब्रांच है जो सी डब्ल्यू ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ लगी हुई है एंड देन रेस्ट ऑफ द कंपाउंड। तो ये दोनों मिथाइल चूंकि अलग अलग नेचर के हैं इसलिए इन्हें मिलाकर डाई मिथाइल नहीं लिखा जा सकता। सेम इसी तरह देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन कंपाउंड्स लाइक दिस where we have a methyl group with oxygen, मैंने फिर नाम के शुरू में लिखा methyl, और अब बाकी हिस्से में naming की है, तो चौथे कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, and I write 4-chloropentanoid। अब मुझे जो एतराज नजर आ सकता है वो ये कि मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी नहीं फॉलो किया, मतलब yes you should follow the alphabetical order between the branches of the same nature, ये ब्रांच नहीं है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, इसे बाकी नाम के साथ इंटरमिंगल नहीं करना ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए ना किसी और बात के लिए। हाँ अगर फर्ज कर ले यहाँ दो ब्रांचेस लगी होती उनके बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते हैं, लेकिन इस नाम को हमेशा पहले लिखेंगे विदाउट एनी पोजिशन, ये सबसे बड़ी डिमांड है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें इसको नाम देने की, यहाँ नाम स्टार्ट होगा इथाइल से और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 3-pentanoid।
सबसे खतरनाक हिस्से में आ जाए। अभी तक हमने जो भी ब्रांच डबल बॉन्ड लेकर आए वो अल्कानॉइड वाले पार्ट्स का था। ये जो ऑक्सीजन के साथ ब्रांच थी इसे मैंने ज्यादा से ज्यादा मिथाइल, एक जगह प्रोपाइल, एक जगह इथाइल, बस मिथाइल प्रोपाइल इथाइल मिथाइल प्रोपाइल इथाइल। हम इस ब्रांच में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस ला सकते हैं मगर बड़ी सिलेक्टेड के साथ ना, होने को तो यहाँ सब कुछ हो सकता है लेकिन हमारे सिलेबस के से बियॉन्ड होगा। जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो ये है, हम यहाँ आपको ऐसी ब्रांच दे सकते हैं ये तीन कार्बन वाली ब्रांच है और इसमें ब्रांच में ब्रांच है तो ऐसी ब्रांच के लिए क्या नाम है। तो याद रहे अगर ये तीनों कार्बन स्ट्रेट होते जैसे यहाँ थे तो ये प्रोपाइल, लेकिन अगर ये इस तरह से टेढ़े अंदाज से बनाए गए कि बीच वाला कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। और अब ये कैरेक्टर कि हमारी ब्रांच के अंदर एक मिथाइल ब्रांच निकली हुई हो, दिस इज फॉर आइसो। तो अब आइसो की सारी फैमिली में ये स्ट्रक्चर छुपा होगा और हमें इसे इसी का रहना है, हमें इससे कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। तो आइसो प्रोपाइल आपके सामने है, इस तरह इसका नाम हो गया आइसो प्रोपाइल इथानॉइड। और इसी से अगर कोई कहे आइसो ब्यूटाइल तो टोटल कार्बन हो जाएंगे चार, मगर किस तरह के चारों सीधे नहीं है, चार में से एक जो है वो सेकंड कार्बन पर ब्रांच के द्वारा हो जाए तो इस स्टाइल को कहते हैं आइसोब्यूटाइल। इसी तरह अगर टोटल कार्बन पांच हो और कोने से सेकंड कार्बन पर इसी तरह एक ब्रांच लगी हुई हो, किसी और जगह नहीं, अगर ये ब्रांच यहाँ से यहाँ आ गई ना तो फिर ये आइसो नहीं है, फिर ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है ना। उससे भी स्ट्रिक्टली यहाँ रहे तो दिस इज आइसोपेंटाइल। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ उन कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस को जगह दी गई है जिन ब्रांचेस में एक मिथाइल ब्रांच हो और वो कोने से सेकंड कार्बन, देन इट इज कॉल्ड आइसो। टोटल कार्बन कीजिए वो है पांच तो आइसोपेंटाइल। अगर फर्स्ट कर ले मैं टोटल कार्बन सिक्स कर दूं लेकिन ये कैरेक्टर अपनी जगह पे रहे तो ये कहलाएगा आइसोहेक्साइड। तो ये आइसो की सारी फैमिली हमें याद होगा। सो अगर हम नाम दें तो अब आप पहचान सके कि ऑक्सीजन के साथ इस दफा जो ब्रांच लगी है वो आइसोब्यूटाइल है। तो हमने सबसे पहले लिखा आइसोब्यूटाइल और इस तरफ देखा जाए तो थ्री लिखा है ब्यूटानॉइड। तो एक तो हमें ये आइसो वाले सब स्ट्रक्चर याद हो फॉर एस्टर, और एक कैरेक्टर और है वो कहलाता है न्यू। सिवाय आइसो और न्यू के और कोई ब्रांच वाली ब्रांच आपके सिलेबस में नहीं है, सही है। तो आइसो और न्यू पे फोकस करना है। तो आइसो ये रहे आपके सामने और आपने देख लिया आइसो का लफ्ज प्रोपाइल से शुरू हुआ, इथाइल मिथाइल में नहीं आ सकता। इसी तरह न्यू का लफ्ज पेंटाइल से शुरू होगा क्योंकि उसमें ये होगा कि सेकंड पर एक नहीं ऊपर नीचे दो ब्रांचेस, तो न्यू पेंटाइल से कहानी शुरू होगी। तो अगर पांच कार्बन की ब्रांच इस तरह बनाई जाए सेकेंड कार्बन पर दो मिथाइल ऊपर नीचे हो, टोटल कार्बन हो गए पांच, तो ये कहलाता है न्यू पेंटाइल। अगर टोटल कार्बन हो सिक्स और सेकेंड कार्बन पर ऊपर नीचे दो ब्रांचेस तो ये होगा न्यू हेक्साइल। टोटल कार्बन हो सेवन, ऊपर नीचे दो मिथाइल सेकंड कार्बन पर नजर आए और टोटल कार्बन हो गए सेवन, ऑब्वियसली न्यू हेप्टाइड। ये है
So with these structures, we can have esters like this. ये हो गया न्यू पेंटाइल प्रोपानोइड. ग्रुप में आपके ऐसा ही एक असाइनमेंट मिक्स डालेंगे कि जब तक जब भी आप इसे इस चीज को जो आज आपने लिखा है इसे जब भी आप देखेंगे रिवाइज करने में 20 से 30 मिनट लगेंगे. चार्ट याद करेंगे और एग्जाम्पल से करेंगे आपको सब आसान रहेगा. अब मुश्किल क्या होगी? मुश्किल वही होगी जब किसी बच्चे से आप कहें टू का डिग्री सुनाओ, थ्री का सुनाओ, फिर फोर का सुनाओ, एक एक करके सुनते जाइए सुना देगा एकदम. कहते सेवन एट का तो उसकी मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, दिल से गाय डॉजिंग पे. तो जब आप इन सबको मिला देंगे ना तब थोड़ी सी टेंशन. फिर बच्चे को क्विकली ये रेस्पॉन्ड करना होता है कि ये कंपाउंड छः में से किस फैमिली का है. और फिर नाम ये किचपिच हो जाता है, यहाँ होगी होते नाम बीस. तो इसलिए असल चीज़ ये है कि आप हमें अलहदा अलहदा देखिए एक हम छोटा दस कंपाउंड इसी तरह डाल देंगे आपके पास, उससे आप इसको एक कर लेंगे. क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट करना है, हमें छोटा सा जो काम करना है वो ये करना है कि एक तो नाइट्रोजन का एक फंक्शनल ग्रुप है सिलेबस में सिर्फ नॉर्मल प्लेचर के अंदर, उनकी थ्योरी नहीं है, इन सब की तो थ्योरी नहीं है. तो वो है अमाइनो ग्रुप जिससे बनते हैं एल्केनामाइन से अमाइनो. और फिर है सा, उसका भी छोटा सा हिस्सा है, उसमें कहानी है कि मैगजीन रेलिवेंट कंपाउंड है जिसमें से ज़्यादातर के नाम याद करते हैं, उनमें सिस्टमेटिक अप्रोच ज़रा कम है. तो इसलिए वो दोनों सेगमेंट अगली दफा ना सिर्फ हो जाएंगे बल्कि हम रेस्ट ऑफ दी सिक्स चैप्टर करेंगे. अब जो पीएमसी के सिलेबस के हिसाब से हमें रियायत मिली है उसमें हिसाब ये है कि आपको खास तौर पर कराना है अब छठे चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमने किए थे ओपन चेन क्लोज चेन होमोसाइक्लिक हेटरोसाइक्लिक और एरोमेटिक एलिसाइक्लिक छह में और आइसोमेरिक. होमोलोगो सीरीज का सिर्फ छोटा सा इंट्रो है जो इस वजह से कि सारी चीज़ें हैं होमोलोगो सीरीज पर. तो क्रैकिंग और पेट्रोलियम का पूरा हिस्सा नेचुरल गैस सब नहीं है. तो जो हमने रिड्यूस सिलेबस में भी पेट्रोलियम और क्रैकिंग तो नहीं पढ़ा था लेकिन कोल और नेचुरल गैस पढ़ा था वो टीएमसी में, वो भी नहीं है. इससे आप छठे चैप्टर से हम थोड़ा सा होमोलोगो सीरीज की सिर्फ डेफिनेशन और आइसोमेरिज्म और क्लासिफिकेशन. तो इसका मतलब नेक्स्ट सेक्शन में हम पूरा करेंगे. जो हमारा संडे को टेस्ट है उसमें हमने यही कर देना है यहाँ पर हमने, ठीक है. तो ये और अभी उनका मिस के सिलेबस की चीज इस दफा नहीं आएगी, ठीक है. थैंक यू.